हम लोग जा रहे हैं मुंबई। ये देख लो हमारा इतना सारा सूट के गिन्नी को सामान देना। जा रहे हैं कम लोग और सामान जा रहे हैं, जाने की तैयारी हो रही है। पूरा सामान पैक हो गया है भाई, इतना हड़बड़ाहट हो गया कि घूमते घूमते खाना खा रहे चाय। अभी याद आ रहा है मुझे, इसमें हम लोग चाय भर के ले जा सकते। सारा सामान मैंने पैक कर लिया। तो भाई हमारा आज का वीडियो यहाँ से शुरू होता है। अभी सुबह का टाइम क्या हो रहा है, ये देखो 7:38 हो रहा है, सुबह सुबह का वक्त है। और यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ, थोड़ी देर में निकलने वाले हैं भाई हम लोग, तो बस जाने की तैयारी हो रही है। छोटा सा सूटकेस है देखो, इसमें थोड़ा सा सामान है, ज़्यादा सामान नहीं है। और बाकी थोड़ा सा अजीब लग रहा है, गाँव के साथ जो यादें होती हैं, मतलब गाँव में रहने के बाद कैसा हो जाता है इंसान, वो मुझे अब पता चल रहा है यार। पहले ज़्यादा फील नहीं होता था गाँव छोड़ कर जाते थे, तो अभी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। तो बस पैकिंग वैकिंग कर लेते हैं, मतलब प्रेस वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद सब सामान पैक करेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। सारा सामान मैंने पैक कर लिया है इस छोटे से सूटकेस के अंदर। अब ये जो मेरा कमरा है ये खाली हो जाएगा, कितने दिनों के लिए खाली होने वाला है वो तो मैं भी नहीं बता सकता। देखते हैं कितने दिन में वापस आना होता है। वैसे हमने प्लान किया है कि हम लोग जाएंगे और पीछे से मंगल को भी बुलाएंगे और उसके बाद हम लोग साथ में रिटर्न होंगे। एक पंगा हो गया भाई, बहुत सारा सामान है, कैमरा है, ये है, वो है, माइक है, क्या क्या है, और इस छोटे से बैग में कुछ भी आ नहीं पाएगा। और बड़ा बैग कुछ मेरे पास है नहीं, तो इसका पंगा हो गया। हाँ चाहिए। अरे वाह, काम हो गया भाई हमारा, इसमें से क्या टूट गया। मैं सोच रहा था मेरे पास बैग नहीं है, ये छोटा वाला बैग। खैर ये बैग मेरा ही है जो मुझे याद नहीं था, और ये लड़की ने हथिया लिया था। हम अरे यार एक बार गिन्नी लेके गई थी, तब से पड़ा हुआ है उसके रूम में, घर में वो लगेज का वो हो गया है अपना, वो वाला मुझे कोई देना। चलो सूटकेस है। ओ मैडम अब सूटकेस नहीं दे सकता हूँ मैं, वो मेरा चमकीला सूटकेस है, चमकीला सूटकेस किसी को नहीं देता। वो वाला दे देता, वो मेरा बहुत सामान आ रहा है यार। वो है देखो मेरा ये बैग, इससे साबित होता है कि ये मेरा बैग है, इसमें मलेशियन करेंसी है, ये इंडियन है, ये मलेशियन। दो ठो दिए है ना, एक हमको दे दे। कौन सा दे दे? एक वाला वो दे दे, फट गया है क्या? वो ले, लेकिन वो बहुत ज्यादा फटा हुआ है भाई, पूरा फटा हुआ है। सामान तो बाहर नहीं निकलेगा ना? नहीं हमें मत ले भाई, वो उसका चेन भी टूटा हुआ है, वो ठीक नहीं है यार। गिन्नी को दिए थे यार, दुर्गति हो गया बैग का, बताओ। मेरा भी बैग लेके गई है वो, छोटा सा बैग में, हम इतना दिन नहीं माना नहीं चाहते इस घर में वापस। मेरे जिगर का टुकड़ा वो पहले ही लेके जा चुकी है। चलिए थोड़ा सा इधर हटिए। सारा 6-7 लगेज लेके गई है। कितना ले गई है? 4 शायद ले गई है वो, 4 या 3 ले गई है, अभी 4 हो जाएगा। अभी कुछ कुछ गिन्नी को सामान देना है, तो वो भी दिखाएंगे आपको क्या क्या सामान दे रहे हैं। फिर आप लोग मतलब कपड़ा वगैरह दे रहे हैं, फिर आप लोग नोट करके बताना कि ये कपड़ा उसने कौन से वाले एपिसोड में पहना है। पहले कपड़ा आपको दिखा देंगे हम लोग ब्लॉग में, फिर वही कपड़ा वो पहन के नजर आएगी, देखना। पहले पैक करके से पहले चले जाना चाहिए था, हम लोग बहुत लेट हो गए। हां थोड़े लेट हो गए, बहुत ज्यादा लेट नहीं, थोड़े लेट तो हो गए हम लोग। तो अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं, हर बार गिटार छूट जाता है, और यार ऐसे टाइट स्ट्रिंग छोड़ दोगे ना तो यहां से क्रैक पड़ जाता है, तो वो चाहता नहीं कि मेरे नए गिटार के साथ हो जाए, तो नए वाले सारे गिटार का स्ट्रिंग ढीला कर दूंगा, क्योंकि पुराने वाले का तो ऑलमोस्ट क्रैक हो ही चुका है। ओके चाय 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 चाय। अभी याद आ रहा है मुझे, इसमें हम लोग चाय भर के ले जा सकते हैं भाई। हम बिहारियों को, चाय लवर्स को बहुत प्रॉब्लम होता है चाय के लिए, तो चाय भर के ले चलेंगे इसमें, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि चाय लगभग 15 घंटा तक तो गर्म रहेगा ही, फिर इसमें से निकाल निकाल के चाय पियेंगे। अभी सुबह का 8:30 बज रहा है, मंगल अभी तक उठा नहीं है। ये बंदा अगर हमारे साथ चलता भी ना तो भी उसका वही हाल था वहाँ पे। तुम कितने देर सोए रात में? मैं तो सोए 4.5 घंटा, मैं 6:30 में उठ गया था। मैं तो सोई ही नहीं पूरा रात, यूट्यूब तमाशा किया है, लड़ाई कर रहे थे यूट्यूब और पांडा। अब जाना है मुझे, मार भी नहीं सकती हूँ, प्यार आ रहा है बेचारों पे, बहुत मिस करेंगे, अकेले रहेंगे दोनों। ये बात तो है भाई, जिसके पास डॉग है वो रिलेट कर सकता है ये कंडीशन से। मुझे थोड़ा भी अगर कंफर्टेबल लगा ना तो मैं आके वापस यूट्यूब को लेके जाऊंगी अपने साथ। पांडा तो रह जाएगा, यूटू नहीं रह पाता है ना। एटलीस्ट हम लोग महीने भर तक भी अगर बाहर रहते हैं ना तो एग्रेशन से भर जाएगा, खूंखार बन जाएगा एकदम से, आते ही हमको नोच डालेगा। कितना काटता है यार, बाप रे बाप, इतना हड़बड़ाहट हो गया कि घूमते घूमते खाना खा रहे हैं। ये देखो किसको लेके आई है भाई, दे रही हूँ यार।
फॉर्मेलिटी पूरा कर रही है जाने से पहले। अरे भाई आदमी आया हुआ है। बाल आ गया भाई, ट्रिम करने का कोई फायदा ही नहीं है। एक महीने में पता चलेगा कि पूरा शेर बन गया है लड़का। वापस इधर देख, इधर देख, इधर देख। हमको लग रहा है कॉमेडी लोमड़ी, हमको लग रहा है कि ये लोग जब उधर से आएंगे तो YouTube के ऊपर पूरा एकदम घनघोर बाल जो है वो आ चुका होगा उस समय तक। ट्रिम कर देना। ट्रिम नहीं करेंगे अभी, नहीं जाते हैं बाल में। अभी आज ये लोग जाएंगे तो उसके बाद ना, आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन है देखते हैं, ट्राई करते हैं पहले। देखते ट्राई करते हैं नहीं, मतलब देखेंगे कि आज कौन सा दिन है, कल का दिन क्या है। आज ही कल में इसका जो पूरा बाल है ना वो पहले फर्स्ट ट्रिम हुआ था तो बराबर नहीं हो पाया था एकदम, मतलब जो जैसे नाई कटिंग होता है ना प्रॉपर, वो नहीं हो पाया था, उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ा कट गया था क्योंकि पहली बार मैंने खुद काटा था। तो अभी एकदम जो है ना इसका एकदम मिला जुला के बढ़िया से पूरा बाल जो है एकदम शेप में काट देंगे, गले से लेके और पीठ तक का बाल जो है एकदम एक बराबर हो जाएगा इसका, है ना। फिर उसके बाद उधर से आओगे आप लोग तो देखने को मिलेगा क्या कि YouTube का जो बाल है वो एकदम घनघोर हो चुका है, बराबर हो चुका है, ठीक है। और बीच में ना साइड में YouTube लिखूंगा मैं ट्रिमर से इसके उस पे, YOTO योर टॉप, समझ रहे हो, YouTube तो नाम है उसे, लेकिन YOTOO है। हाँ लेकिन मैं ऐसे ही बोलता हूँ, योर टॉप बोलता हूँ इसको। घुमा मामा घुमा, सवारी करना। चलो चलो, घोड़ा थोड़ी ना है कि करने चलेगा। हाँ इसके ऊपर बैठ के कर रहा है, बताओ। तुम दोनों भाई लड़ोगे नहीं, सुनो, तुम दोनों भाई नहीं लड़ोगे। अरे साला सुनता नहीं है, तुम समझाओ तो मंगल। हम तो समझा ही देंगे, हम तो बोलेंगे बैठ जाएगा यहीं पे, असली मालिक तो यार इसके हम ही हैं जेन्युइनली देखा जाए तो। लड़ोगे दूसरे का बात ही नहीं सुनते, देखो कल रात में गुस्से में मेरे हाथ पे क्या किया है, पकड़ लिया था बिना मतलब का ही। अरे यार, अरे क्या कर रहा है, पता नहीं क्या है, देखा टकले में छेद हो जाएगा ऐसा लकड़ी अगर जो सिर पे गिर जाए तो। दूर घुस गया यार, झूला लगाना था मंगल, धूल घुस गया मेरे हाथ में। क्या घनघोर पत्तियां हैं भाई नीम में। तो दोस्तों मैं जैसा कि अभी एक मेरे साथ मिस्टेक हुआ, कभी भी जैसे कि पेड़ के ऊपर से या फिर आपके घर में पंखे के ऊपर से कुछ भी गिरे तो डायरेक्ट एकदम से आंख उठा के मत देखना का, नहीं तो यही हाल होगा आप लोगों के साथ भी। एक आंख से काना हो जाएंगे। हाँ एक आंख से जिस आंख में गंदा जाएगा ना उस आंख से आप थोड़ी देर के लिए गड़बड़ा जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को YouTube का जो है कि आप लोग आएंगे अगले बार तो एकदम इसका जो बाल है ना वो एकदम शेप में कर दूंगा मैं, और ये लोग जब तक आएंगे 10-15 दिन में उधर से घूम के तो कोई शेप में एकदम ये बहुत सही लग रहा है, एकदम देखते ही हंसी आ जाती है। इधर इधर और इधर, ये घना पूछ और घना फेस और बाकी एकदम चिकना प्यारा लग रहा है। यार पता है हम लोग ना YouTube को नॉनवेज नहीं देते हैं, इसलिए थोड़ा सा ना ये अब मतलब वेज वाला जो मटेरियल है ना वो मैक्सिमम अभी थोड़े टाइम में पहुंच जाएगा ये, और नॉनवेज वाला तो मटेरियल जो होता है वो थोड़ा बहुत ही ज्यादा एक्सेस होता है, बट कोई बात नहीं, अपना पनीर जिंदाबाद। नॉनवेज अगर खिलाता ना इसको कोई जो इस ब्रीड को रखता है बहुत काटने वाला होगा, एकदम खूंखार। हाँ बहुत ज्यादा एक बार भी नहीं भौंकता है, ये सीधे बस अपनी मर्जी से दौड़ना चाहता है, बाकी इसमें कोई कमी नहीं है। हाँ। और उसी के लिए अभी बेचारा पिटाता है। नहीं 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 भाई, मर्जी और जिस दौड़ना हो घूमना हो अलग बात है, ठीक है। और देखो तुम लोग शिवम तुम भी सुनो, इधर आओ, मुंबई जा रहे हो तुम लोग YouTube के लिए, एक चीज जो सबसे बड़ा शॉप होगा उधर के एरिया में और जो सबसे वो क्या कहते हैं जहाँ पे हर एक सामान मिल जाए वहाँ पे जाना, पता करना कुछ आता है ऐसा इन लोगों के पट्टे पे लगाने वाला करंट जो लगता है उन लोगों को, वो वाला। हाँ ऐसा चिट्टा लगता है एकदम चिट 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 कर, वो पेन में जैसा करंट लगता है ना वैसा कुछ लगता है इन लोगों को, वैसा कुछ आता है मैंने सुना है।
आता है, सुना है क्या? हाँ, उनके गले में होता है, अगर जो ये उस रेंज से बाहर जाते हैं ना तो करंट लगने लग जाता है, तो ये इनको समझ में आ जाता है कि मेरे को इस एरिया से उतना दूर नहीं जाना है, तो वो आ जाएगा इनके लिए, तो शायद ये बाहर भागना बंद कर दे महाराज। चल के देखते हैं भाई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टोर्स में वो अवेलेबल नहीं है, और ये जो साइज है इसका तो और नहीं मिलता है। चल के देखते हैं। इसको बंधने की आदत नहीं है ना, बेचारा पागल हो गया है। चल रहे हो ना हमारे साथ? अरे देख 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 इधर देख इधर देख 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 इधर ओए होए चक्कर आ गया भाई साहब। अरे अरे लो ले तू बेटा। आ और तेरी पांडी ओए करेंगे, अबे करो ऐसे, चल एकदम शांत रहो। इसमें बहुत जान है भाई, एकदम हालत खराब कर रहा है। पुट से मार रहा है इधर उधर, पुट पुट मार रहा है एकदम। अरे बुड्ढे क्या हो गया यार? यही चाहिए था, बस हो गया, बस पूछ एकदम। ये 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 अरे हो गया भैया, हो गया, पागल हो गया है। लेके जा भाई, इसको लेके जा। अरे हम नहीं लेके जा, मेरे से कंट्रोल से बाहर है भाई, तू ही जेल। ओए यस बड़ी, चल ना, चल ना, चल माफ कर, चल 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 यार, चल ना, चल पागल हो गए। मजा ही यार, मूड अच्छा कर दिया ये पंडे। बंद नहीं कर रहा, पूरा सामान पैक हो गया है भाई, जा रहे हैं कम लोग और सामान जा रहा है ज्यादा। एक दो तीन सूटकेस यहाँ पे है, गिन्नी का बैग है। हाँ, इसमें गिन्नी का सामान जाएगा ना? वो नहीं, ये बैग होगा गिन्नी का। एक बार पहले कंफर्म कर दो, वहाँ जाके एक्सचेंज दिक्कत ना हो। भूल गई कि इसमें डाला है। क्यों इतना कम बुद्धि दिया भगवान ने तुमको? भूल जाती हूँ यार मैं हर दो मिनट पे। एक होता है कम बुद्धि, एक होता है एक्स्ट्रा कम बुद्धि, वो गिन्नी वाला है, और होता है एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कम बुद्धि जो पूजा जी के पास है दोस्तों। बुद्धि नहीं, इसको याददाश्त कहते हैं, शब्दावली अपनी सुधारें। हाँ, याददाश्त कमजोर है इसका। एक होता है कम याददाश्त, बुद्धि विवेक याददाश्त में बहुत अंतर है, लेकिन उसको समझेगा नहीं कोई। एक होता है थोड़ा कम याददाश्त, और एक होता है थोड़ा कम 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 याददाश्त। तो जो एकदम कम 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 वाला है वो इनका है। मेरा बस चलता है पीछे का सब डिलीट। याददाश्त तो मेरा भी कमजोर है, इसलिए मोबाइल का पासवर्ड ही भूल गया था, रीसेट करना पड़ गया। सूटकेस देखो, एक दो तीन चार पाँच सूटकेस पूरी। अरे क्या तू पागल, इसके कितना धक्का प्रॉब्लम हो रहा है इसे, तो अभी इसके मुंह में चोट लगा, हाथ में चोट लगा, क्या वो तुम्हारा खराब वक्त चल रहा है? जब नहीं उठता है तो कब खराब चल रहा है? कल यूटू ने काटा भी ना भूल गया। अरे भाई ये देखो, यूटू ने काट के फुला दिया इसका। ये देखो नॉर्मली देखो दोनों में, ये देखो पतला है, ये देखो मोटा है। खींचा है ना यहाँ पे, ऐसे पकड़े हुए था वो, तो ऐसे खींचा ना, वो नहीं खींचा, हम ही इसे खींच के हाथ निकाल लिए। काट तो क्या कर दो भाई, डर लग रहा है सूटकेस देखते भाई, इतना सारा सूटकेस। डर तुम, हम दहशत में आ गए, तुमको डर लग रहा है? अरे तुम लोग साला ये मतलब जाएगा कैसे? मेरे ही माथे पटकेगी ना, लड़कियों का आदत होता है इतना भर के ले जाती है वहाँ जाके, अब दया आ जाता है, उठाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं उठाना है, काम करना, एक से लेके बंद करना कैमरा, दोनों तीनों मिलके उठाना और ऐसे करके सिर पे रख देना, मैं दो मुरेठा बना के दे रहा हूँ, ठीक है? घंटा आज तक हो पाया हम लोगों से, 2013 से सामान ढो रहे हैं, जब से बाहर दिल्ली निकले उसके बाद से सामान ढो रहे हैं हम, और उस टाइम भी यही हालत था उसका। मेरे से ही मैं हम मैनेज नहीं कर सकते। ये कौन है यार, कौन है ये? ये है कोई लोग, पाए पत्ता चाहिए था, पूजा पाठ का समय चल रहा है नवरात्र का ना, तो दुकान है इनका, तो मैंने बोला था कि कहाँ के लिए खरीदते हैं, जब भी जरूरत पड़े तो आ जा कर ले, तोड़ के ले आया करिए, बेच लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो वही आए भाई। कभी बुलेट निकलता है, कभी फट 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 ये निकलता है, कभी वो निकलता है, हम जहाँ भी जब भी यहाँ पे आते हैं तो एक साउंड हमारे लिए ऑब्स्टेकल बन जाता है हर बार। अच्छा इतना सारा है इनके अंदर ये, लेकिन पान जो है हमारा वाला पान, ये खाने में तो अच्छा नहीं लगता है शायद। नहीं बनारसी पान है ना, खाने के लिए ना, खाने के लिए पान की खेती की जाती है, ये वाला जो पान है इसकी खेती नहीं होती है, मतलब खेती नहीं, इसकी भी खेती होती है, लेकिन ये बनारसी पान है इसको, मतलब खाने में कोई दिक्कत नहीं है, खाए हो ना खाओ दिक्कत कोई। हाँ कुछ देते पान है ना भाई, थोड़ा तो सर, लेकिन अगर स्वाद बढ़िया रहा ला जम रही। बनारसी पान जो जो लोग खाते हैं वो तो खाते ही, मतलब खा ही सकते हैं, ऐसा थोड़ा ना है भाई। देखो दो मतलब, एक बड़ा पत्ता होता है पान का, एक छोटा पत्ता होता है, है ना? तो ये छोटा पत्ता है बनारसी वाला, वो पकाया जाता है, बनारस पैदा नहीं होता है। अच्छा पकाया जाता है, वो सब आता है बंगाल से।
अच्छा, वो बनारसी पान भी बंगाल से आता है? सब उसको हीट देके पकाया जाता है, तब व्हाइट होता है। वाह, राज खुला ना आज हमारे चैनल पे हो गया खुलासा कि बनारसी पान बनारस का नहीं होता है, बंगाल का होता है। पहली बार पता चला ये बनारसी पान बनारस का ही होता है, वो उगाते हैं बंगाल में ऐसा। उगाते हैं पत्ता उसका, उसका पत्ता जो है वो बंगाल में उगाते हैं। हाँ, उन चाचा के अनुसार, हमको नहीं पता ये बात। हाँ, और उसको हीट देके जो है पकाया जाता है, मतलब कि जो लोग खाते हैं ना कि पीला पान का पत्ता जो होता है पका हुआ, वो बहुत स्वाद लगता है खाने में। वो हीट देके पकाया हुआ होता है, वो हीट देके पकाया हुआ होता है। चलिए भाई, अब देरी नहीं करते हैं, ये देख लो हमारा इतना सारा सूट के, तो हमारा जाने का वक्त काफी नजदीक आ गया है। बहुत तगड़ा वाला धूप है, कल बहुत ही जबरदस्त बारिश हो रहा था, आज बहुत ही जबरदस्त वाला धूप है। अभी मैं बताता हूँ आपको क्या क्या हमारा प्लान है, क्या क्या करना है। पहले हम लोग जा रहे हैं मुंबई यहाँ से, और मुंबई जाने के बाद मुंबई में उतरते ही सबसे पहले जाके गिन्नी को सामान देना है। सामान देते वक्त देखते हैं क्या सीन होता है, उसे मिलना होता है हमारा या क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले वहाँ उतरते ही सामान देना है, उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है, जो प्लान है वो करेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं और आपसे मिलते हैं दोबारा ट्रेन में। ट्रेन में ही अब मुलाकात होगी आपसे, तो चलते हैं, आपसे मिलते हैं दोबारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।